अब आप लोग सोच रहे हो 2 बजे चाय की भी रहा, चाय का कोई टाइम नहीं होता। तो ये देखो भुक्कड़ बच्चे को ना नहाना ना, दोनों ने पढ़ाई करना, स्ट्रॉबेरी खाते रहना है ना, और कोई काम धंधा नहीं है? नहीं। अच्छा मेरे को भी दे, मैं भी ट्राई करता खा सकता हूँ कि नहीं। एकदम मिडिल टीथ चबाना पड़ रहा है। व्लॉग ही मुश्किल से करा था मैंने, उसके तो मैं कर ही नहीं पाया। ऊपर से मैंने भी आल दर्द दर्द में व्लॉग एडिट करा, दर्द तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों तो क्या हुआ? कोई नहीं, कुछ भी। मैंने कल क्या बोलते सूप पिया, ऑमलेट खाया, बुरा स्वेल्ड अप था और दर्द तो अब हो रहा है। अगर हाँ सूजी का हलवा भी खाया स्पेशली मेरे लिए बना था। अब स्ट्रॉबेरी खाने की ट्राई करी, इस साइड से नहीं खा सकता, ब्रेसेस टाइट हूँ, इस साइड से रूट कैनाल हुआ है, मिडिल से हल्का हल्का खा सकता हूँ। जिंदगी की फजीता भाई। हाँ जी खाने में क्या है? दोपहर में खाना दो या नाश्ता? दोपहर में क्या है? मैं खा सकता हूँ? चावल नहीं खा सकते? दो मैं मना कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल था। बैक टू रानी लोग, होप यू गुड एंड हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी 1.5 घंटे में ट्यूशन जाना है, कल है पॉल साइंस का पेपर, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, लिजिट बहुत कम पढ़ा हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अभी जाके पढ़ाई करेंगे पूरी पॉल साइंस और साइकोलॉजी के लिए भी एक दिन दिया। हाँ जी पता नहीं, भगवान भरोसे ही है, दोनों पेपर तो अगर पढ़ नहीं पाया तो बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारा कवर करना, बहुत सारा मतलब बहुत सारा। पॉल साइंस में दोनों पूरी बुक्स करनी है भाई, लग गए अपने अच्छे, बहुत तगड़े वाले। बट विल मैनेज समहाउ, विल डू इट, करते आ रहे ना तो कर लेंगे। जब पेपर खत्म हो और हम कहीं निकलते हैं ट्रिप पे, ठीक है समझ गया। पहले पेपर खत्म हुए फिर निकलेंगे, ऐसे नहीं कि पेपर खत्म नहीं और पहले डिसाइड कर लिया, पहले पेपर खत्म होने दो, रिजल्ट आने से पहले निकलेंगे, रिजल्ट आने के बाद निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे जरूर, दैट्स फॉर श्योर। हाँ जी मेरे बर्थडे से पहले खत्म होंगे ना? हाँ 16 को खत्म हो रहे हैं। नर्सो हो रहे हैं, नहीं परसों नहीं, नर्सो को हो रहे हैं, अरसो हो रहे हैं, नहीं नर्सो ना जी, परसों 15 तक, फिर उसके बाद तो अरसो हुआ ना, उसके बाद नहीं नर्सो हुआ, अरसो हुआ, नर्सो, अरे अरसो हुआ, नर्सो बेटा वही मारूंगा, नर्सो हुआ, अरसो है, नर्सो, अरसो, नर्सो, मेरी डिबेट चलती रहेगी, कोई बात नहीं, अरसो। और मेरे जो टीथ का रूट कैनाल हुआ था वो पीछे से पूरा उड़ा है, क्योंकि वो ना कैसे मैं बताता हूँ उसकी बैक स्टोरी, बास्केटबॉल खेलते हुए हॉस्टल में था, तो बंदे ने जंप ली तो उसका गोड्डा सीधा यहाँ लगा था, तब मेरे को फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद मेरे मुंह से खून निकलने लगा, मेडिकल रूम गया तो दांत खींच के निकाला पीछे पूरा, और वो फिर होता रहा, इन्फेक्शन बढ़ता रहा, कल पूरा इन्फेक्शन क्लीन करा, पूरा दांत पीछे से काटा है, अब उस पर एंकर भी लगा हुआ है ब्रेसेस को होल्ड करने के लिए, तो वो ये, और इधर ये जो है इधर एक और वायर लगाई है रबड़ की, जिससे ये थोड़ा टाइट हो और गैप बने ये ऊपर से नीचे लाने के लिए। नेक्स्ट सेटिंग में यहाँ से जो है केनाइन जो फंसा हुआ है उसको नीचे खींचना चालू करेंगे, सो एक्सट्रैक्शन अब से चालू होने वाला है, नेक्स्ट सेटिंग से एज पर बोला जो हुआ है। नीचे ब्रेसेस तब लगेंगे जब ऊपर नीचे का पूरा मामला सॉर्ट हो जाएगा, जब अच्छे से पूरा सेट हो जाएंगे तब नीचे ब्रेसेस लगेंगे, फिर नीचे के जो हल्के हल्के टेढ़े हो गए ना ये भी फिक्स अप हो जाएंगे। बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशन है इस चीजों में, बहुत समझना पड़ रहा है, बहुत कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ रहे हैं एंड ऑल एंड ऑल, बट इट्स ओके, वी हैव टू गेट इट डन, तो करवा तो 18 महीने का प्रोसेस है, आसान तो है नहीं, मेरे को टीथ निकलेंगे भी परमानेंटली, कुछ रहेंगे, बट ऐसा रहेगा कि ये जो स्माइल में जो ये अवॉइड होता है ना ये हो जाएगा पूरा फिलअप, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब केनाइन आ जाएंगे ना तो दो दांत आ जाएंगे, तो पीछे के दो दांत जाना कोई इतना मैटर नहीं करेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। और ऐसे तो मैं दांत फाड़ के हंसता भी नहीं हूँ, ऐसा हंसता हूँ तो इतने में स्माइलिंग फेस रहेगा मेरा, उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मेरे को लगता है, बाकी होगी तो होगी, फिर क्या बोलते हैं तब की तब देखी जाएगी, अभी तो आज सच कोई नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होगे 2 बजे चाय की भी रहा, चाय का कोई टाइम नहीं होता। छोले चावल मैंने ट्राई करा, छोले बीच बीच में कंकड़ टाइप हार्ड आ रहे हैं, कुछ सॉफ्ट है कुछ हार्ड है, तो वो खाने में दिक्कत हो रही है, च्यू करने में दिक्कत हो रही है। रस और चाय का ये सिस्टम है, सॉफ्ट हो जाता था इसलिए मैं ये खा रहा हूँ, वरना मैं वही रहता, बट मैंने ये भी कह दिया मेरे को ये दे दो, वो मेरे से खाया नहीं जा रहा 1% भी, दर्द हो रहा है बार बार, ये तब भी खा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लेना है और सॉल्व कर देना, दैट्स इट। बड़े दिन हो गए ऐसे सेट डाउन टॉक नहीं हुई, सेट डाउन टॉक के लिए पहले चेयर लगा लेते तो फिर करते हैं। एक तो मेरे कमरे में सारी खराब चीजें रखनी होती है, मतलब चेयर भी नहीं उठ के दे रही है, खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ है, उड़ गई और अभी तो उठी थी। हाँ अब सही है। हाँ तो अपना चश्मा कल रात को टूट गया, पता नहीं कैसे, उसकी डंडी वैसे वीक थी तो मैंने पेन और एकदम से हाथ में आ गई डंडी। सेकेंडली साइकोलॉजी एंड पॉल साइंस का पेपर है, देखो ये सारे पेपर निकल गए आराम से भगवान की कृपा से, टचवुड अच्छे गए हैं पेपर, और आई होप नहीं बदल में निकल जाऊंगा मैं। अब आती है 2 सब्जेक्ट्स की बात जिनमें मेरी फटती है बहुत जोर से, मेरी तो हालत खराब हिस्ट्री में भी होती थी बट निकल गया वो, लेकिन उसके रिजल्ट का कुछ नहीं पता अभी, निकल तो वो गया। अब ये पॉल और साइकोलॉजी है जो जिसने मार रखी गंदी वाली, और इसको निकालना है थोड़ा कठिन, और है इसमें सबसे ज्यादा सिलेबस इन दोनों में ही है, तो अब कैसे करना है क्या करना है कुछ नहीं पता, और हालत के लग जाएंगे A to Z, और
मौज हो गई। और अगर इनमें अच्छा स्कोर नहीं आया तो मैंने आपको पहले बोल दिया था मेरे कॉन्सर्ट पे ब्लेम जाएगा, तो हाँ अगर इनमें अच्छा स्कोर नहीं हुआ ना मेरे कॉन्सर्ट पे और मेरे रूट कैनाल पे ब्लेम जाएगा कि इनके चक्कर में तेरे अच्छे नहीं गए, तूने गलत करा। बट जो भी होगा जैसे भी होगा, विल वर्क हार्ड टुडे, विल स्टडी हार्ड, आज पॉल के लिए कल साइकोलॉजी के लिए अच्छे से पढ़ के जाएंगे। देखो मैं रेडी होकर पहले बैठ गया कि हाँ आप ट्यूशन निकलेंगे ना तो फिर मतलब टाइम वेस्ट ना हो, और दूसरा पता नहीं ऊपर काम हो रहा है रिया दीदी के घर में या फिर ये बगल वाला जो फ्लैट खाली हुआ उसमें काम हो रहा है, कि बहुत जोरी खट 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 हो रही है और यहाँ तक मतलब बेड पे वाइब्रेशन फील हो रही है। अगर ऊपर से हो रहा है तो ऊपर से हो रही होती, बट ये समझ नहीं आ रही कहाँ से हो रही है क्योंकि चारों तरफ से आवाज आ रही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। हम ठाक ही मिला गया बेमतलब, अगर रिया दीदी के यहाँ पे तो अंडरस्टैंडेबल, अगर बगल में तो फिर तो खुंदक है मेरे को भाई, फिर नहीं अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है। क्या ही हो रहा है ये रिया दीदी, अगर आपके हो रहा है आई एम सॉरी, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं बुराई कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हो भी रहा है तो भी मैं बुराई कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो क्यों हो रही है खटखट, नहीं होनी चाहिए, यहाँ देश का युवा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, सभ्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं खटखट की वजह से, क्यों करा रहे हैं आप ये, देखिए वापसी चालू, शर्म नहीं आ रही है, बेशर्म लोग, बेहया रिया जी, सॉरी अगर आपके हो रहे हो तो फिर से चलो भाई मैं और आमी तो निकले अब ट्यूशन, मस्त अब जाके पढ़ते हैं, ये तो जल्दी आ जाएगी, हमें तो देर तक पढ़ना है। भाई आज इस समय इतना जाम कैसे हो रहा है सामने वाले, कुछ सीन भी नहीं हो गया क्या आज, क्योंकि रेड लाइट की वजह से इतना तो नहीं होता इतना लंबा, इतना क्राउडेड हो रखा है पूरा, या तो कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी की लड़ाई हो रही, कुछ ना कुछ तो हुआ है जिस चक्कर में हो गया इतना जाम, रेड लाइट की वजह से कभी नहीं होता इतना तो मैं भी शौक हूँ। चलो भाई डन, ट्यूशन अच्छे से हो गई है, हमने अच्छी खासी रिवीजन कर लिया, पढ़ाई कर ली पॉल साइंस की, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, रात में एक और बार रिवीजन कर लेंगे पी की तरह, जिससे एकदम बैठ जाए दिमाग में, फिर सुबह डायरेक्ट पेपर में लिख देंगे सारा, हो जाएगा फिर अच्छे से, और क्या चाहिए अपने को, बस हो जाए पेपर। अब निकलते हैं घूमी करने, पता नहीं क्या करने, कुछ ना कुछ तो करने, 4 बजे आए थे, 7 बजे जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 घंटा पड़े, 3 घंटा ही पड़े ऑलमोस्ट, क्या 3 घंटा ही पड़े। क्या रे काले हैं, क्या क्या तेरे को, क्या है, क्या चैन नहीं है, चैन नहीं है जिंदगी में, चैन नहीं है बंदर, चैन नहीं है, ओहो काट ले कट ले कट ले, ये देखो देखो हटाता रहता है हाथ खुद से। थोड़ी देर नानी जी का टाइम स्पेंड किया, अब निकलते कहीं ना कहीं ऐसे चक्कर चुक्कर छोटू मोटू से काटने, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा चक्कर काट के आ जाएंगे और रिफ्रेशमेंट के तौर पे, फिर घर जाएंगे, एक रील शूट कर लेंगे, आइडिया तो है दिमाग में, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर सोते हैं एडिट करते, रिवीजन करते, फिर सोते हैं, बोल रहा हूँ मैं 1:30 बजे तक सोया हूँ, उसके बाद भी सोना है मेरे को, शर्म नहीं आ रही मेरे को ये बोलते हुए। भाई थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करी, अभी रिवीजन करा, फिर थोड़ी देर निष्ठा के साथ कॉल पे थे, उसके बाद फिर दाढ़ी वाड़ी अपन ने शेव वेव कर ली और अब एडिट कर रहे हैं, लेट हो गए, टाइम इस समय हो रहा है 1:30, अब बस ये लास्ट क्लिप लगाते हैं, सोते हैं, सुबह के लिए एक छोटू सा और रिवीजन कर लेंगे, क्विक रीकैप बस, दैट्स इट, एंड विल गिव द पॉल साइंस पेपर टुमारो इन द मॉर्निंग। एंड आज का ब्लॉग भी रैप अप करता है, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो ब्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो दिस वी बॉय के वन साइनिंग ऑफ, एंड कल का ब्लॉग आज सुबह बाय कल सुनते, बहुत ही बड़े ब्लॉग का गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। आई नो बड़ा इनकंसिस्टेंट हो रहा हूं ब्लॉग्स बनाने में, जा डेली रहे हैं बट वो डेली शूट जो था मेरा इनकंसिस्टेंसी हो रखी है, थोड़ा मैं डगमगा सा रहा हूं, बस 16 तारीख तक का है, उसके बाद वापसी अपनी पेस पकड़ लेंगे हम, बस ये 16 तारीख तक, और मतलब आप लोगों के लिए कल मेरे परसों मेरे भी कल, एक्चुअली 1 तो बजी गए ना, तो मेरे भी कल आप लोगों के लिए भी कल कुछ टाइम का और है, देन विल बी बैक ऑन ट्रैक। Thank you.